अच्छा ये है पेन। ओए दोस्तों मैं बातों में लगा हूं। मुर्गा जो है दोस्तों बीमार हो चुका है, मैं बड़ा परेशान हो गया। मैं का मुर्गा पर मार के सुबह से तो दोस्तों लेके आए हैं। कैसे हैं आप सब? ठीक है, वीडियो लाइक क्या करो, हमें सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो बस दोस्तों अभी दोस्तों मुझे कॉल आई थी यार रहमान की, कि यार वो कह रहा है हमारा दोस्तों टाइगर जो है बीमार हुआ हुआ है। तो उसके देखने रात को भी उसको मैंने बताया था, उसने बताया था मुझे कि यार मुर्गा हमारा बीमार हो चुका है। तो उसको मैंने बताया यार ये दवाई वगैरह दो, तो फिर भी ठीक नहीं हुआ। फिर मैंने उसे बताया यार ये वाली दवाई दो, लेकिन अब जाके देखते हैं दोस्तों उसका। आप लोगों को इंशाल्लाह सेटअप भी दिखाऊँ, दुआ कीजिएगा मुर्गा ठीक हो। तो बस अभी उसके घर चलते सीधा और फिर बाद में देखते हैं भाई क्या सीन है। बस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को हमें सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चले चलते हैं उसके घर, और धूप भी काफ़ी तेज़ हो रही है भाई। चलो चलते चलो चलो। तो यार मैं आया हुआ तो दोस्तों रहमान के घर, बाइक लगा दी यहाँ पे। टाइगर जो है दोस्तों बीमार हुआ, उसकी देखनी यार क्या हालत आ रहा था। तो चलो ऊपर चलते हैं। रात को मुझे कॉल आई थी कि यार मुर्गा जो है दोस्तों बीमार हो चुका है, मैं बड़ा परेशान हो गया यार। मैं कहा मुर्गा पर बीमार कैसे हुआ, अभी उसको दोस्तों लेके आए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल सेट है इसको। कल दोस्तों मैंने वाइपर वैक्सीन भी दिया था, और आप लोग भी कह रहे थे भाई मुर्गा बीमार है इसका इलाज करें। तो इसलिए दोस्तों इसको मैंने पहले वाइपर वैक्सीन दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर रात के टाइम इसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी, इस तरह के सुबह के टाइम ना ये चला जाएगा। इस तरह ही था रहमान, हाँ इस तरह ही था। तो मैंने रहमान को कहा यार इसको ना लहसुन का एक जवा दे देते, तो उसने खिलाया होगा। और माशाल्लाह मुर्गा हमारा सेट हो चुका है दोस्तों। और इसका जो चेहरा है ना, पहले आप लोगों ने देखा होगा बिल्कुल वाइट हो चुका था, और आप देखें इसका चेहरा। रहमान में पकड़ के दिखाते हैं, पकड़ो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ दोस्तों। ये देखें भाई इसका चेहरा, देखें अब सूझना भी थोड़ा कम हो गया, और माशाल्लाह सेट हो रहा है, इसके लाल होता जा रहा चेहरा। रहमान सर सही हो गया ना? तो बस इंशाल्लाह इसकी केयर करनी है हमने, पूरा इसको तैयार करना है, इसके बच्चे निकलवाने यार इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा। और आप लोगों को दोस्तों जहरी भी दिखाता हूँ अपना, जो जहरी है हमारा ये देखें भाई, ये है दोस्तों हमारा जहरी, जो कि जहरी और हम ब्लैकी का भाई है, बहन है वो भाई कह रहा। और ये वो वाली मुर्गी दोस्तों जो रहमान ने किसी और से ली थी दोगली, और ये हमारा जहरी सील, मतलब पैंथर की जो बेटी है वो ये है, हमने रहमान के घर उसको ब्याया हुआ है। तो ये आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में बताना दोस्तों सेटअप आप लोगों को भाई कैसा लगा। ये जो दोस्तों जगह बनाई हुई है हमने यहाँ पे ना, मट्टी छट्टी डली हुई यहाँ पे, पहले इसने खरगोश भी रखे हुए थे, खरगोश इसने यहाँ पे रखे थे, हमने काफी पहले उसकी जगह भी बनाई थी यहाँ पे, ये बनाया था पूरा। और ये देखें भाई नेस्टिंग बॉक्स लगाए हुए सारे के सारे यहाँ पे, नेस्टिंग बॉक्स लगे हुए हैं। इसके अलावा ये देखें दो नेस्टिंग बॉक्स यहाँ पे लगे हुए हैं, उसी तरह के हैं जो हमने अपने फिंचेस के लिए लगवाए हुए हैं। ये दोस्तों हमने ना रहमान कह रहा यार इसको ना सेटअप करना है, यहाँ से दोस्तों जाली लगवानी है, और ये वाला जो सीन है ना, तो यहाँ से भी दोस्तों ये जो दरवाजा सा आप लोगों को नजर आ रहा है ये कवर करवा के ना, मतलब पिंजरा टाइप बना रहे हैं, इसके अंदर परिंदे छोड़ने हैं। कब करना है भाई फिर बताओ, जल्दी करते हैं, वैसे भी सीजन आ रहा है। अब तो बल्कि सर्दियाँ आ रही है, बल्कि बनाओ मौसम भी दोस्तों टेम्परेचर ठीक है, छत पे हम इस टाइम खड़े हुए कमरे के अंदर, लेकिन टेम्परेचर यहाँ ठीक है, देखें मुर्गी बिल्कुल भी नहीं हाँप रही। तो माशाल्लाह जबरदस्त सीन है भाई। अरे यार आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में बताया यार छोटा सा सेटअप आप लोगों को कैसा लगा। तो इसका नाम एक भाई कह रहे थे यार, इसका नाम एक और एक दाद भाई ने कहा था कि रख दें, लेकिन टाइगर नाम ठीक है। टाइगर भाई हमने कल नाम रखा, मुझे लग रहा है इसको सूट नहीं किया, रात में बीमार हो गया। लेकिन नाम और अच्छा है यार, लेकिन ना बीमारी के बाद ना थोड़ा मुर्गा और जोश में आया था, जैसे इंसान आते हैं कि यार मतलब सेहतमंद हो जाता है इस तरह। तो अभी थोड़ा सा कमज़ोर हो गया दोस्तों, लेकिन इंशाल्लाह इसकी केयर करेंगे, डाइट शाइट इसको देंगे हम ठीक अच्छी वाली, और इनके अंडे हम बहुत ज़्यादा लेंगे, और बच्चे निकलवाएंगे इंशाल्लाह यहीं पे यार, इधर ही बिठा देंगे, ये तो बड़ा ज़्यादा सेटअप है यार। हाँ यहाँ कहीं भी बारिश का पानी तो नहीं आता, थोड़ा बहुत आता है, चलो उसका ख्याल है। चलिए दोस्तों अभी हम चलते हैं अपने पुराने वाले सेटअप पे, बर्ड सेटअप पे चलते हैं ब्यूटी बर्ड्स के, तो वहाँ पर जाके देखते हैं भाई क्या। और आप लोगों को मैंने बताना है कि बैंटम के भी मैंने नाम रख दिए, एक भाई ने कमेंट किया था वो नाम अच्छा लगा तो वो रख दिया उसका। चले वहाँ चलते हैं, चलो भाई ओके अल्लाह हाफिज़। पीछे पीछे थे आराम से आराम, बीमार हो जाएगा, बीमार हो जाएगा यार, उसने उड़ जाना है। चला गया, बच्चा निकल गया था बाहर, तो हम अंदर ही गए हैं। और यार केज का दरवाजा बंद करना, ये देखे भूल गए थे, चेक करें भाई। और डब का बच्चा आया और भाग गया था, शुक्र है मान से याद है, एक दफा और हुआ था हमारा डब का बच्चा, वो उधर जाके उससे भी बड़ा था, लेकिन शुक्र है दोस्तों पकड़ लिया। ओए अब दरवाजा बंद कर दो भाई पीछे का। भाई साहब मेरा यार भाई मुझे आके अंदर बंद तो करने, तो वो गला भी खोल के चला गया अंदर, मैं आ रहा हूं। चलो पकड़ के रखो मैं अंदर ही आ रहा हूँ, ठीक है खोल दो ना मैं। हाँ, खोल। चलो भाई इसको छोड़ देते अंदर, चलो भाई
अभी तुमने ऊपर पहुंच जाना था, ऊपर से मरा दोस्तों, समझ रहे ना वो ऊपर। तो फिंच का बच्चा यार बाहर आया हुआ, मैंने अभी देखा है, इनको अभी बाहर नहीं आना चाहिए था, क्योंकि यार ये बच्चे अभी बहुत ज्यादा छोटे हैं, तो ये ना हो कि इनको कोई मसला हो जाए तो इनको वापस हम जाके ना उधर छोड़ देते हैं। हो गया तेरे चक्करों में भाई, तो खुद ही काला है भाई, तेरे से तो साफ हूं कम से कम। अरे सस्ते टक्की भाई। यार यहाँ पे दोस्तों ये क्या कहते हैं, ये घोंसला पड़ा हुआ है, और यहाँ पे फिंचिस ने फिर से घोंसला बनाना शुरू कर दिया है रहमान की तरह। रहमान जिस तरह घर में घोंसला बना के बैठ जाता है ना उसके अंदर, और सुबह 12 बजे उठता है इस तरह। वो कौन है ये? अच्छा ये है पे। वो किस तरह भाग रहा है यार, देखे दोस्तों भागना नहीं पुत्र। ओए ओए ओए, दो हैं है ना? दो नहीं है, दो एक तो उसमें है। अच्छा अच्छा ये है इसमें, सही सही सही। चलो हो गया, ये देखें दोस्तों ये भूखे हैं, इनको खाना खिला रहे हैं इनके माँ बाप, देखे मुँह खोल रहे हैं भाई, ये लो खाना। डर गए। स्ट्रॉबेरी फिंचेस का देख लेते हैं, पता नहीं नज़र नहीं आ रहा है, कमेंट में बताइएगा कितने अंडे हैं, एडिटिंग करते हुए देख लूँगा यार। ओ भाई बाहर नहीं आना भाई, यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे वही सीन है भाई, दो अंडे हैं और एक अंडा हो रहा है। चलो ठीक हो गया, माशाल्लाह से दो अंडे आए हैं यार। रहमान इसका क्या करें, इनको बेटर में मैं सोच रहा हूँ खा लेते हैं यार इनको। नहीं यार इतने टाइम बाद उन्होंने यार अंडे दिए यार, क्या यार रहमान यार तू भी यार बस छोड़ दे यार। इतने अंडे पहले उसके नीचे रखे हैं मुर्गी के, तो नहीं मुर्गी के नीचे ही रखेंगे इनक्यूबेटर में रखेंगे। 15 अंडे मुर्गी के नीचे, दो इनक्यूबेटर में, पागल है बात। वैसे ठीक है यार, चलो यार एक अंडा दे रहा है मेरा, चलो मैं मजाक कर रहा हूँ दोस्तों, इसको इनक्यूबेटर में रखते हैं यार। पर नहीं यार तो यार अभी ये दोस्तों अंडे अभी भी और दे रही है, मुझे डर है कि यार अगर इसने अंडे बंद कर दिए, क्योंकि यार काफ़ी टाइम बाद जाके 5-6 महीने बाद जाके इसने अंडे देना शुरू किए हैं, क्योंकि ये अंडे हमारे लिए बहुत ज़्यादा कीमती हैं, चाहे एक है या दो है। तो इनको बेटर को चला देते हैं, पंखा बेशक नहीं चल रहा है, इस तरह ही रख देंगे, अल्लाह खैर करे अगर निकलने होंगे तो निकल जाएंगे, वरना बिजली का बिल 20,000 आ जाएगा। दोस्तों मैं बातों में लगा हूं। सोच दोस्तों दो अंडे दिए हुए थे मुर्गी ने, लेकिन यार एक अंडा ना उसका टूटा हुआ है, जो उसने आज ताज़ा अंडा दिया है, और जो उसका पिछला अंडा है यार ये पिंजरा तो सही तरह लगा यार, मिली छिली लाना ये वो, मतलब अंडे इसके एक टूट चुके हैं, मैंने शावर में डाल दिया है, अगर मान का एक मेरा ठीक है। और दूसरा अंडा भी पुराना, मजाक कर रहा हूँ यार। तो अभी दोस्तों यार यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा धूप हो रही है, मैं पहले सोच रहा था यहाँ शेड वगैरह लगा लेते हैं, लेकिन यार फिर बाद में याद आया सर्दियाँ आ रही हैं आगे, फिर हमें हटाना पड़ेगा, इसलिए सीन अच्छा नहीं है। तो कह रही थी दोस्तों आज की हमारी वीडियो में, करता हूँ आप लोगों को पसंद करो, लाइक कीजिएगा, चार को हमें सब्सक्राइब कीजिएगा, शर्म कर कोई दूसरों के घरों में जाकर। अरे नहीं वो देख क्या है, हाँ तेरा छोटा भाई है क्या है। तो खैर मिलेंगे दोस्तों इंशाल्लाह कल, अभी के लिए इजाज़त दीजिएगा दोस्तों, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। चले रहमान साहब, चलो बाकी कमेंट में बताएगा दोस्तों मेरा सेटअप दोस्तों आप लोगों को कैसा लगा, तो बाकी चलते हैं। चलो भाई चलो भाई चलो 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 चलो, बात सुनो यार एक शाप ना इधर ही रहने दे, ये वाला जो है ना ये, क्योंकि मैं परिंदों के लिए उसमें अंडे आना, इसलिए मुझे घर लेके जाना पड़ेगा ठीक है। ओके हो गया, चलो भाई।